नमस्कार, विभात स्वाद रसोई में आज बन रहा है मलाई से बटर, घी और पनीर। तो ये तीनों चीज़ें हम मलाई से बनाने वाले हैं। हम कुछ दिनों की मलाई को कलेक्ट करेंगे, उससे बटर बनाएंगे, जो लेफ्ट ओवर दूध बचेगा इसमें से उससे हम पनीर बनाएंगे और बटर से घी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल विभात स्वाद रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मलाई से मक्खन, घी और पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ दिनों की मलाई कलेक्ट की है और इसे हमने फ्रिजर में स्टोर किया था, क्योंकि हम इससे पनीर भी बनाएंगे तो ये मलाई बिल्कुल भी महक नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल फ्रेश मलाई होनी चाहिए। उसके लिए हम इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में करके फ्रिजर में स्टोर कर लेंगे। फ्रिजर में स्टोर करने से क्या होगा, इसमें से किसी भी तरह की महक नहीं आएगी और ये मलाई बिल्कुल ही फ्रेश बनी रहेगी। तो क्योंकि हम कई दिनों की इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की महक नहीं होनी चाहिए, तो इसे अच्छे से आप फ्रिजर में स्टोर कीजिए। और इसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करने वाले हैं जार में, क्योंकि सबसे पहले हम बटर बनाएंगे। तो पूरी मलाई हम जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बटर बनाने के थोड़ी देर पहले आप इसे फ्रिजर से बाहर निकाल के रख सकते हैं, पर आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं तुरंत ही निकाल करके बना रही हूँ, तो ये पूरी मलाई हम डाल देंगे जार में। जार में हम डालने के बाद इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, क्योंकि मलाई बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो इसका टेम्परेचर जब नॉर्मल रहेगा, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म, तो बटर बहुत ही इजीली निकल आएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं। पानी गर्म होने को मैंने रख दिया था, उस पानी को हम इसी कंटेनर में डाल लेते हैं, जिससे इसकी बाकी मलाई भी उसी में आ जाएगी। और इसके बाद हम ये जार में चला लेते हैं मलाई को। और ये देखिए, मलाई अच्छे से इसमें घूम रही है। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ये जो जार आपको दिख रहा है ना, पूरे में आपको मलाई दिख रही है। अभी बटर रेडी नहीं है, ये इसका सिंबल है कि पूरे में अच्छे से एक सी मलाई दिख रही है। और जब इसमें से बटर रेडी हो जाएगा, फिर जार कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप बिना जार खोले ही जान जाएंगे कि आपका बटर रेडी हो गया है। यहाँ देखिए, अब जब हम मिक्सी को घुमा रहे हैं तो ये जार हमें ऊपर से क्लीन दिख रहा है, मतलब बिल्कुल एक सा वाइट नहीं हो रहा है, बीच बीच में से ये हमें क्लीन भी दिख रहा है। इसका मतलब बटर बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो इसका सिंबल है, इसे हमने निकाल लिया है और देखिए कितना अच्छा बटर निकला है। तो अगर आप टेम्परेचर नॉर्मल रखेंगे, बहुत जल्दी बटर निकलेगा और बहुत अच्छा निकलेगा। उसमें जब बिल्कुल भी मलाई में बिल्कुल भी दूध नहीं बचा होगा बटर में, तो वो बहुत जल्दी से घी भी बन जाएगा और उसमें ज़्यादा लेफ्ट ओवर भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमने पूरा मक्खन निकाल लिया। और ये देखिए, इसे मैंने बाउल में निकाला है, कितना सारा मक्खन निकल आया है और बहुत ही बढ़िया है। इसे आप मक्खन की तरह नॉर्मली यूज कर सकते हैं, और ये आप चाहें तो इससे आप घी बना सकते हैं। और यहाँ जो लेफ्ट ओवर दूध बचा है बटर निकालने के बाद, इसको हम किसी पैन में, किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और उसे बॉईल करेंगे, क्योंकि अब हम चल रहे हैं पनीर बनाने के प्रोसेस में। तो इसे हमने डाल दिया था एक बर्तन में, बॉईल होने के लिए रख दिया है हमने गैस पे। जब ये बॉईल होने लग जाएगा, फिर हम इसमें एक नींबू का रस या फिर एक बड़ा चम्मच विनेगर डालेंगे। तो विनेगर या नींबू की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपने कितना दूध लिया है। अगर दूध ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इतने के लिए हमने एक नींबू लिया है, इसे कट कर लिया है, इसे निचोड़ लेंगे हम। और उसमें उतना ही पानी मिक्स कर देंगे जितना कि नींबू का जूस होगा, और फिर इसी से हम पनीर बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने जोड़ दिया है। थोड़ा सा पानी भी इसमें हम डाल देंगे। और यहाँ देखिए, दूध भी उबल गया है। अच्छे से उबलने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और 2 से 3 मिनट वेट करते हैं। उसके बाद हम इसमें नींबू या विनेगर जो भी लिया है हमने, थोड़ा थोड़ा सा डाल करके मिक्स करते जाएंगे। एक बार पूरा मत डालिए, और थोड़ा सा ठंडा हो जाए दूध, फिर आप इसे ऐड कीजिए। बहुत अच्छी पनीर बनके तैयार होगी। तो ये देखिए, इसको हम चलाते जा रहे हैं और आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा ये फटने लग गया है। तो जो भी नींबू का रस बचा हुआ है वो पूरा भी हम इसमें डाल देंगे और उसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे, और बिल्कुल बढ़िया सा छेना हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने एक ही मलाई से बटर भी बना लिया है, और उसके लेफ्ट ओवर से बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट पनीर बनाएंगे, साथ ही हम घी भी बनाएंगे।
ये देखिए आपको छेना बिल्कुल अलग दिख रहा होगा, पानी अलग हो गया है, मतलब अब ये छानने के लिए रेडी है। तो अब हम किसी साफ सूती कपड़े में इसको छान लेंगे। थोड़ी देर अच्छे से चला देते हैं जिससे बिल्कुल ही पानी इस छेने में से अलग हो जाए। ये देखिए, और इसका जो पानी बचेगा ना उसे भी हम यूज कर सकते हैं आटा लगाने में या फिर किसी सब्जी की ग्रेवी के लिए। यहाँ हमने एक सूती कपड़ा लिया है और एक छन्नी के ऊपर रख दिया, उसके नीचे एक बर्तन भी रखा है ताकि इसका पानी उसमें जा सके, और इसको हमने कपड़े में डाल दिया है। देखिए कितना बढ़िया सा छेना बन करके तैयार हुआ है, और इसके लिए हमें अलग से दूध भी नहीं लेना पड़ा है, बस वही मलाई के लेफ्ट ओवर से ही हम इसे बना रहे हैं। तो कितना अच्छा है ना, बटर भी मिल गया है, पनीर भी मिलने वाला है हमें, और साथ ही हम इससे घी भी बना लेंगे। तो इसको अच्छे से हम छान लेते हैं। अब इस कपड़े को हटा लेंगे हम इसमें से, और इसे प्रेस करके पनीर को सेट होने के लिए रखेंगे। तो इसे इस तरह से कपड़े को समेट करके हम ले लेते हैं। देखिए इतना पनीर हमारा निकल आया है, काफ़ी सारा बटर भी निकला था। अब हम इस कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और पनीर को सेट होने के लिए रख देंगे। तो अब इसके ऊपर हमने इसे फोल्ड कर दिया, इसके ऊपर कुछ वेट रखना है, तो कोई आप भरा हुआ डिब्बा रख दीजिए। यहाँ पे मैं पटा रख रही हूँ इसके ऊपर, जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम इसके ऊपर पलट के रख देते हैं, और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया हमने। 10 मिनट बाद देखिए यह पनीर सेट हो गया था, इतना बढ़िया सा सुपर सॉफ्ट और टेस्टी पनीर रेडी हुआ है। उसी मलाई से इतना बटर और इतना पनीर मिला है। तो इसके बाद अब आप बटर को चाहें तो ऐसे ही यूज कर सकते हैं, या फिर इससे आप घी बना सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं घी बनाने के प्रोसेस में, और पनीर को आप सब्जी बना के यूज कर लीजिए। बढ़िया से सब्जी बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में हमने पूरा बटर डाल दिया है। अब हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे क्योंकि हम लगातार चलाते हुए इसे जल्दी से तैयार करने वाले हैं। तो हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है और इसे लगातार चलाते जाएंगे, बहुत ही जल्दी ये बटर मेल्ट हो जाएगा। और चूंकि बटर बहुत अच्छे से निकला है, इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये बहुत जल्दी इसमें से घी निकल आएगा और बहुत कम लेफ्ट ओवर इसमें बचेगा। जो मावा निकलता है ना बहुत कम बचेगा, और वो मावा जो बचेगा वो भी हमारा यूजफुल रहता है, उसे किसी सब्जी में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि मावा ही होता है वो। तो ये देखिए अब ये अच्छे से बॉईल होने लगा है। जब इस स्टेज पे आ जाती है मलाई, तो बटर जब इस स्टेज पे आ जाता है, फिर हमें इसे लगातार चलाते ही रहना है। और बर्तन थोड़ा बड़ा लेंगे अगर आप बटर से घी बनाने के लिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट में ही ये पूरा घी बन करके तैयार हो गया है। हम इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, बस हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ब्राउन वो गैस ऑफ होने के बाद भी हो जाएगा। तो बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर घी को छान लेंगे। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा कलर चेंज हो रहा था, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद भी थोड़ा सा आप इसे चला देंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं मावा बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, बस आपको घी ही दिख रहा होगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ छान के कि कितना मावा इसमें बचा है और कितना सारा घी निकला है। ये देखिए पूरा हमने छान लिया है, कटोरी में कटोरी मुझे लगता है भर जाएगी। हाँ जी देखिए पूरी कटोरी भर गई और थोड़ा सा घी इसमें बच भी गया है, और मावा भी देखिए कितना कम निकला है, बहुत कम हमें टाइम भी लगा इसे बनाने में। और ये पूरा हमने छोटा सा जार है ये भर करके घी तैयार हो गया है। एक कटोरी पूरा भर के मक्खन तैयार हुआ था, और इसके साथ पनीर भी बनके तैयार हो गया है। तो एक ही मलाई से हमने ये देखिए इतना मावा भी हमें मिल गया है, जिसे आप सब्जी में भी डाल सकते हैं या फिर सिंपल आप चीनी मिला के भी इसे खाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मावा, घी, बटर और पनीर सभी चीज़ें हमें उतनी सी मलाई से मिल गई हैं, और पूरा उपयोग हमने उसका किया है। मलाई से पनीर बनाने में जब जो पानी बचता है उसे भी हम सब्जी या फिर आटा लगाने में यूज कर सकते हैं। तो हर तरह से हमने मलाई को यूज कर लिया है, और एक ही मलाई से हमने घी बनाया, पनीर बनाया, बटर बनाया। तो अगर रेसिपी आपको मेरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा मेरा आइडिया, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।